नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो सीटेट जुलाई एग्जाम को लेकर दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है वो निकल के आ रही थी। दोस्तों सीटेट जुलाई का जो नोटिफिकेशन जारी होना है उसको लेकर दोस्तों आपके जो नोटिफिकेशन को लेकर शाम को आप सबके लिए अपडेट आई थी। हालांकि मैंने आपको अपडेट किया था। और साथ में दोस्तों इस बार आपके 3 पेपर आयोजित होने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट क्या रहेगी, रिजल्ट कब आएगा, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में क्या क्या बदलाव होने वाला है, इस वीडियो डिटेल से बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में दोस्तों अगर आप सीटेट के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको सीटेट से हमारे डेली अपडेट वो देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख सकता हूँ दोस्तों, आप जो है एग्जाम डेट की बात कर लेता हूँ तो 8 अक्टूबर में एग्जाम संभव है। कैस देखें कब मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। अभी तक बोर्ड की तरफ से एग्जाम नोटिफिकेशन एप्लीकेशन डेट या एग्जाम डेट को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कोई भी नोटिस भी नहीं आया है। लेकिन एक नोटिस जो जारी किया गया है उसके अनुसार दोस्तों को जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी होना है और परीक्षा 8 अक्टूबर में आयोजित होगी। और फर्स्ट वीक में दोस्तों कब जारी होगा नोटिफिकेशन, तो कोरोना महामारी के चलते सीटेट 2021 से जो है दोस्तों परीक्षा स्थगित होती जा रही है। देश भर में शिक्षा भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एग्जाम डेट का और नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नोटिफिकेशन को जारी होने को लेकर पहले कहा गया था कि अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 5 अगस्त को जो है बहुत बड़ी अपडेट आएगी। 5 अगस्त को आपका जो नोटिफिकेशन दोस्तों वो जारी हो सकता है। संभव है कि परीक्षा 8 अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को जो नोटिफिकेशन कहाँ पर जारी किया जाएगा, तो ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन आएगा। उसके लिए आप ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करते रहें या फिर इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इस पर आपको डेली अपडेट है वो देखने को मिल जाएगी। तो सीटेट यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो अब दोस्तों नई शिक्षा नीति को लागू कर चुका है, जिसके अनुसार 3 पेपर आयोजित कराए जाएंगे। साथ में दोस्तों अब आपका पेपर है वो ऑनलाइन, जी हाँ दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। इसके लिए अगर आपको दोस्तों यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम देने हैं, हर ज़िले में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे दोस्तों, जहाँ से आप इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और तैयारी कर सकेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों CBSE द्वारा हर ज़िले में वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। इस सुविधा केंद्रों पर बिना फीस दिए उम्मीदवार को ऑनलाइन जो टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। इस साल परीक्षा में तथ्यात्मक ज्ञान की जगह उम्मीदवारों को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, रीजनिंग कॉन्सेप्ट की समझ, एप्लीकेशन की नॉलेज जाँची जाएगी। और जो आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों CTET NIC.in या CBSE GOV.in, उस पर दोस्तों आपका जो है नोटिस भी आ चुका है, जिसके अनुसार दोस्तों की जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाली है। और साथ में दोस्तों आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा। और साथ में सिलेबस में दोस्तों टॉपिक बढ़ाए जाएंगे, कुछ टॉपिक को कम किया जाएगा। तो ये दोस्तों इसमें पूरा प्रोसेस रहेगा CTET को लेकर। जल्द ही आपका जो नोटिफिकेशन है 5 अगस्त को, अगर टाइमिंग की बात करूँ तो शाम तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर 2 बजे के बाद, क्योंकि CBSE बोर्ड इस परीक्षा को कराता है। और CBSE बोर्ड ने अब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी जारी कर चुका है, कक्षा 1 से 12वीं तक का रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे में अब CBSE बोर्ड फ्री हो गया है और आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा, आप अपनी तैयारी कंटिन्यूस करते रहें दोस्तों। और आगे जो भी अपडेट आएगी उसके लिए आप ऑफिशियली वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।